ये चार एक्सरसाइज करनी है आपको, किस कब किस टाइम करनी है मैं बताता हूँ। एक आपके पास है पुशअप्स, एक आपके पास है चिन अप्स, एक आपके पास है स्क्वाट, फ्री वेट स्क्वाट, फ्री बॉडी स्क्वाट, और एक आपके पास है प्लैंक होल्ड। तो ये जो चार एक्सरसाइज हैं इसके बेनिफिट्स बताता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइज। इस वीडियो में वैसे तो जैसे लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने बहुत सारे होम वर्कआउट और ये सब बताए थे, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऑफिस आवर्स होते हैं लेकिन जिम भी ज्वाइन किया होता है जिन्होंने, और वो जिम नहीं जा पाते और बीच में एक दो दिन का ब्रेक आ जाता है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए उनको? अगर उनको लगता है कि वो गिल्ट उनको किल करना है या किसी भी तरह से उनको मेंटली जो हमें एक डोपामिन रिलीज होता है और बेटर फील होता है वो सब करने के लिए कौन सी ऐसी चार बेस्ट एक्सरसाइज हैं जो इंजरी फ्री हैं, अगर आप उनको ढंग से करो और आपके बेसिक जो रूटीन है उसमें अच्छे से ऐड हो सकती हैं वो, अगर आप जिम नहीं भी जाते तो भी। तो इन चार एक्सरसाइज का ज़्यादा बखान ना करते हुए मैं सिर्फ इनको डेमोन्स्ट्रेट भी दिखा देता हूँ इसका कि किस तरह से करनी है और घर पे कौन कौन सी चीज़ें यूजफुल हो सकती हैं इन एक्सरसाइज को करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों की इसके अंदर जरूरत भी नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं चिनअप्स की। देखो चिनअप्स, ये जो चिनअप्स आप देख रहे हो इस टाइम स्क्रीन पे, इन चिनअप्स में आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रिप जरूर कर लेना है। अगर ग्रिप अच्छी नहीं होगी, और स्पेशली जिन चीज पे आप ग्रिप कर रहे हो वो चीज इतनी मजबूत होगी वो आपकी बॉडी का वेट कैरी कर सके, ऐसा ना हो कि आप घर में वर्कआउट के चक्कर में कुछ तोड़फोड़ कर दो। तो वो 3 से 4 से 5 से 6 जितने आप रेपिटेशन लगा उसको ऐसे करके लगाओ, 4 से 5 सेट उसके ले लो। बीच बीच में आप एक और काम कर सकते हो कि अगर आप ब्रेक लेना ब्रेक ले, अदरवाइज जो आप अगली एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ वो एड ऑन कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है बॉडी वेट स्क्वाट्स। अब देखो जैसे आपको स्क्वाट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, इस स्क्वाट में मैं बहुत ही फर्मली, बहुत ही स्लोली और बहुत ही कामनेस के साथ स्क्वाट को कर रहा हूँ। ये नहीं कि धबड़ धबड़ आपको फास्ट फास्ट से स्क्वाट करने हैं और आपको रेपिटेशन निकालने हैं, बॉडी को बर्न करना है। आपको करना है मसल को टारगेट, वही आपका एक सही तरीका होता है किसी मसल की ग्रोथ को एनहांस करने का। तो आपको इस तरह से आराम आराम से स्क्वाट लगाने हैं, और स्क्वाट में आप वेरिएशन कर सकते हो, सुमो स्क्वाट, क्लोज स्क्वाट, जैसे भी स्टांस को कम ज्यादा कर करके। थर्ड एक्सरसाइज यहां पे आ जाती है जो आप देख पा रहे होगे कि पुशअप्स हैं। पुशअप्स में भी हल्के फुल्के वेरिएशंस होते हैं जो आप कर सकते हो, और ऐसा कोई मैं पर्टिकुलर सेट या नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको नहीं बता रहा, बस अपना मैक्सिमम हिट करने की कोशिश करें। एक एमसीपी होता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन पॉइंट, वो मसल का अगर हिट हो गया तो उसकी ग्रोथ के जो चांसेस हैं, ब्रेकडाउन होने के जो चांसेस हैं, उसके बाद आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे और ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो दोनों ही बढ़ने के बहुत ज्यादा हम यहाँ पे करीब आ जाते हैं, ये जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। और लास्ट जो आपके कोर स्टेबिलिटी के लिए, कोर से मेरा मतलब सिर्फ एब्डोमिनल से नहीं है, पूरा कोर एरिया से है, आपका लोअर बैक हेल्थ और इन सब के ऊपर है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी और आइसोमेट्रिक जो वर्कआउट होता है जिसमें हम होल्ड करते हैं वो है प्लैंक होल्ड। इस प्लैंक होल्ड के साथ आपका जो कोर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपकी ओवरऑल जो कोर स्ट्रेंथ है उस पर बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो प्लैंक को इस तरह से होल्ड करो, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपका कोर एंगेज्ड होना चाहिए। अब एंगेजमेंट कैसे होगी कोर की, वो आप विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगी, एक दो बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा कोर ज्यादा वर्क कर रहा है कि मैं हाथों पे या शोल्डर्स पे या एल्बोज पे या अपने टोज पे ज्यादा उसको मतलब डिपेंड हो रहा हूं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए चार एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक से एक्सरसाइज है। वैसे मुझे इसकी जरूरत इस बार मतलब महसूस हुई लॉकडाउन के बाद भी, अब तो जिम खुल चुके हैं ओवरऑल सब जगह, लेकिन अभी मेरे को इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई इस वीडियो की क्योंकि मेरे अभी करंट एग्जाम्स चल रहे हैं और बीच में मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, बट मेरे को वो जो एक गिल्ट होता है या वो जो मैं पॉजिटिव जो थेरेपी में महसूस करता हूँ एक वर्कआउट करने के बाद, जो बहुत ही अंडररेटेड है, जो लोग नहीं करते उनको नहीं पता है, जो करते हैं उनको पता है। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, ये सब चीजें एड ऑन करना शुरू किया। जिस दिन मेरा ब्रेक है तो मैं एक आधे घंटे का 25 मिनट का एक सेशन ले लेता हूँ अपने आप से, जो इस तरह का थोड़ा सा इंटेंस सेशन होता है जिससे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा मेरे को ऐसे फील होती है कि कम बैक टू स्क्वेयर आ गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस विल हेल्प यू, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द वीडियो, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जिताने को बनाता है, तुकाने को नहीं जाता है, कमाने छोड़ बहाना बनाने जाके पैसा कमा ले, थोड़ा घर में बेकार पड़ा कुछ दिन ना चलेगा जो रैप का बुखार चढ़ा। क्यों तुम्हारे जो मन में आए वो मैं क्यों करूं, सारी जिंदगी दिल दिल कर क्यों मरूं, प्रयास बिना परिणाम से क्यों मैं डरूं।